युवा साथियों, मार्गदर्शन कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं श्री रमेश प्रसाद बडूनी, जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मसराज पट्टी में फिजिक्स के लेक्चरर हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र एक विषय के रूप में कितना महत्वपूर्ण है। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है रमेश प्रसाद बडूनी जी। धन्यवाद भारती साहब, सभी को नमस्कार। रमेश प्रसाद बडूनी जी, जैसे कि आज का विषय है और फिजिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यदि विज्ञान की बात करें तो एक प्राकृतिक विज्ञान है, लेकिन इसको लेकर विद्यार्थियों में थोड़ा भय भी रहता है क्योंकि इसका गणित से इसका कुछ ना कुछ जुड़ाव है। तो आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे कि इस विषय को किस तरह से हम लें ताकि इसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। जैसा कि भारती जी, ये विषय बहुत बताने में बृहद है और लोगों को लगता है कि इस विषय में ज़्यादा कठिनाइयां हैं। ये जो संदेश हम देते हैं अपने छात्रों को या अपने साथियों को, ये हमारे संदेश देने में ही गलतियां होती हैं जी। साधारण तौर पे जो भी विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश लेता है तो कुछ विषयों को लेकर उसकी चिंताएं होती हैं, उनमें से भौतिक विज्ञान भी एक विषय है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अधिक से अधिक अगर हमारे जो शिक्षक हैं वो बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें, इस विषय को एक प्राकृतिक विषय के रूप में लें, जो कि हम लर्निंग बाय डूइंग और अपने स्कूल इन्वायरमेंट में या घर के वातावरण में ही भौतिक विज्ञान के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम इस विषय को सरलता से सीख सकते हैं जी। जहां तक रही बात कि बच्चा कक्षा 10 पास करने के बाद किसी विषय को स्पेसिफिक रूप से चुनता है जिसमें कि भौतिक विज्ञान उसको लेना ही है अगर उसको विज्ञान स्ट्रीम में आना है, तो भौतिक विज्ञान के अध्यापक को बच्चों का वेलकम करना चाहिए और शुरू में ही उसको बच्चों को उस विज्ञान के उपयोग और महत्व को पहले समझाना चाहिए बजाय किसी कॉन्सेप्ट को लेकर उसको ज्यादा क्लासरूम में इन्वॉल्व करने के जी। यदि हम 10वीं के बाद प्रवेश की बात करें तो यदि हम बायोलॉजी लेते हैं तो भी फिजिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, उधर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी फिजिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो जो इन प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज आपका? जहाँ तक रहा एक मैसेज का सवाल, तो मैं ये कहूँगा कि विषय पर आपका कमांड सिर्फ तब होता है जब आप विषय को बहुत सहज रूप से पढ़ते हैं। यदि विषय में आप सहज नहीं होंगे तो आपको किसी भी कैरियर को चुनने में दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए कि आपने कहा कि बायो के क्षेत्र में जाना है, मेडिसिन में जाना है, लेकिन वहाँ बच्चे फिजिक्स में कम स्कोर कर पा रहे हैं या वो कम स्कोर करते हैं, जिसकी वजह यह है कि वो कम्फर्टेबल फील नहीं करते इस विषय को लेकर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बच्चा बायो को चुनता है कहीं ना कहीं उसके जो शिक्षक गण होते हैं या उसके जो सहपाठी होते हैं उनमें भय उत्पन्न करने की वजह या उनके जो ट्यूटर्स होते हैं या उनके जो शिक्षक होते हैं वही उनको विषय को लेकर सही तरीके से मार्गदर्शन उनको नहीं देते। अब आज के इस युग में जहां हम टेक्नोलॉजी से लैस हैं, हमारे पास लगभग सारे संसाधन हैं, वहां बच्चे स्वयं ही कुछ चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं और उन्हें पता लग रहा है कि वास्तव में ये विज्ञान बहुत आसानी से सीखा जा सकता है जी। बडूनी जी, एक बात और हम पूछना चाहेंगे, जैसे बायो का स्टूडेंट है उसने 10वीं के बाद गणित विषय छोड़ दिया है, लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस है, ये सब जब हम डेरिवेशंस करते हैं तो ये सब आती हैं, तो इसलिए उसका भय रहता है क्योंकि उसने 10वीं के बाद ये सब छोड़ दिया है। हाँ, एग्जैक्टली आप यहाँ पर सही कह रहे हैं कि ये जो टीचर की अप्रोच है, मैं यही शुरू में भी कह रहा था कि जो शिक्षक की अप्रोच है उसमें गलती है। जिस चीज को बच्चा 9th-10th में या 7th-8th में जिन छोटे छोटे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सीखा है, उन्हीं ऑपरेशंस को अप्लाइड फॉर्म में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या एनालिटिकल मैथमेटिक्स के रूप में वो देखता है और उसमें भय उत्पन्न हो जाता है। जबकि अगर हम उसको वापस उसी 6th-7th-8th में ले जाएंगे और बच्चे को बताएंगे कि कैसे ये इंटीग्रेशन यहाँ आया है, कैसे ये डिफरेंशिएशन आया है, तो शायद बच्चा बहुत सहज महसूस करेगा और उसको कहीं भी ये दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैं बच्चों को डिफरेंशिएशन जब पढ़ाता हूँ तो मैं सिर्फ एक ग्राफ पेपर पे उन्हें समझा देता हूँ कि आखिरकार ये डिफरेंशिएशन है क्या, इंटीग्रेशन है क्या। मेरे बायोलॉजी के मैक्सिमम स्टूडेंट इस समय डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे पदों पर भी हैं, जो मुझे अभी भी कहते हैं कि सर फिजिक्स जो तरीका आपने फिजिक्स पढ़ाने का अडॉप्ट किया है उससे हमें बड़ी ईज से हम अच्छे अच्छे डेरिवेशन को भी सॉल्व कर पाते जी। आपको ग्लोबल इनोवेटिव टीचर्स टेक्नोलॉजी अवार्ड भी दिया गया वर्ष 2015-16 में, तो निश्चित तौर पर यदि इसी तरह से इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जाए तो हर
स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाएगा, जिसके पास मैथ्स नहीं रही है और बायो पढ़ रहा है, फिजिक्स में अच्छी स्कोरिंग वो कर सकता है। अब जानना चाहेंगे कि पुस्तकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है। भारती साहब, अभी अभी हमने 2 साल पहले एक सर्वे किया था और उसमें हमने बुक्स को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, या जो हमारे प्ले वे मेथड्स हैं उनको लेके, या हमारे जो नाटक हैं, या खेल से सीखना, या अन्य और भी तरीकों से सीखना, किससे ज्यादा अच्छा बच्चा सीख सकता है, तो उस सर्वे में, उस रिसर्च में हमने पाया कि बच्चा टेक्स्ट बुक को लेके काफी मतलब परेशान है। हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि जो बच्चे को जल्दी से समझ नहीं आता। वो भाषा को लेके हो सकता है, उसमें बने हुए जो आकृतियां हैं, चित्र हैं, उनके जो कलर कॉम्बिनेशन है, उससे भी बच्चे को दिक्कत होती है, वो समझता नहीं है, वो डाइवर्ट होता है। तो या तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी कुछ इंटरैक्टिव बुक्स हो, उसमें भी कुछ इस तरह का इमेजिनेशन हो कि बच्चा सोचे, थिंक करे, फिर कॉन्सेप्ट डेवलप करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमारी बुक्स एक तरफ पड़ जाती है। हमारा जो सर्वे आया उसमें लगभग 27% बच्चा ही बुक से बेनिफिट पा रहा है, और मैक्सिमम बच्चा जो सीख रहा है वो टेक्नोलॉजी से सीख रहा है, फील्ड विजिट से सीख रहा है, फील्ड में जाके सीख रहा है, या जो हम एग्जीबिशन लगाते हैं, मेले लगाते हैं, साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए जो हम छोटे छोटे प्ले करते हैं वहां पर, या हम मौके पे कहीं इंडस्ट्री में, किसी संस्थान में बच्चे को ले जाते हैं और वहां फिर हम विज्ञान की, या भौतिक विज्ञान की, या रसायन विज्ञान की कोई भी अवधारणा को, किसी भी फैक्ट्स को लाइव समझाते हैं कि देखो यहाँ पर कैसे बर्नौली थ्योरम काम करता है, या आप ये देखिए कैसे हमारा हुक्स लॉ काम करता है, या प्रेशर को लेके, या टेम्परेचर को लेके, किसी ऑयल फील्ड में ऑयल को हम कैसे ट्रैक करते हैं। ये सब जब वो लाइव देखता है तो बहुत इजीली वो किसी भी साइंटिफिक अप्रोच को, किसी भी थ्योरम को, किसी भी प्रिंसिपल को वो समझ जाता है। तो जो आप कह रहे हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जब वो देखता है तो घबरा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि जब वो एक बार प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, हैंड्स ऑन उस चीज को देख लेता है तो उसको इतना ईजी लगता है और उसके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होता है कि हाँ, ये साइंस मुझे पढ़नी चाहिए, इसमें बहुत स्कोप है और इसमें मैं कुछ नया कर सकता हूँ। जी, ये स्कोप भी है और ये स्कोरिंग भी है फिजिक्स। यस, डेफिनेटली। अब हम जानना चाहेंगे कि यदि फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ रहे हैं तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें युवा जा सकते हैं। मेरे ख्याल से फिजिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप किसी भी साइंस में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बायो साइंस में जाना चाहते हैं तो जितना भी आज की डेट में रेडियो फिजिक्स है जहाँ पर, या सोनोग्राफी है, MRI है, एक्सरेज है, ये सारे फील्ड में कहीं ना कहीं फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स यूज हो रहा है, फिजिक्स के एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम रेडियो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि साउंड टेक्नोलॉजी का, साउंड का कितना यूज है, कौन सी ऑडिबल साउंड है, कहाँ पर हमको रहना चाहिए, किस रेंज में हमें काम करना चाहिए, वो साउंड के बारे में स्टडी करना है तो हमारे पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास एक फील्ड है। नैनो टेक्नोलॉजी है जहां हम स्पीड ऑफ लाइट से बात कर रहे हैं, जिसमें स्मार्टफोन आज इतना पॉपुलर हो गया है कि हम एक स्वाइप पर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में आ जाती है, हम एक ग्लोबल होम में आ गए हैं, छोटी सी जगह पर हमने पूरे वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिजिक्स के एप्लीकेशंस हैं, फिजिक्स और ये कह लीजिए कि अदर और साइंसेस को हमने इसमें इंटीग्रेट किया है। ओवरऑल फिजिक्स का इसमें सबसे बड़ा रोल है। इसी तरह से हम और भी साइंसेस हैं, जैसे एरो साइंस है, एरोस्पेस है, ओसनोग्राफी है, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर बच्चा अपना इंटरेस्ट देखे, अपना ये देखे कि वो किस पार्ट में कंफर्टेबल है, क्योंकि फिजिक्स में अलग अलग ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में वो किसी भी एक ब्रांच को लेके सीरियसली स्टडी कर सकता है और वो अपने करियर को चुन सकता है। लाइक एविएशन है, नेविगेशन है, आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, ओसनोग्राफी है, रेडियो फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारे फील्ड हैं जो दिखते हैं कि मतलब हर फिजिक्स का बच्चा आसानी से अपने लिए करियर चुन सकता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे चलकर टीचिंग में जाना चाहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड उनके अंदर होता है, वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो थोड़ा बताएं कि नेट और JRF के लिए ये सब्जेक्ट कितना सूट करता है, कितना मुफीद है। बहुत अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे से मतलब सुझाया है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका एप्टीट्यूड रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए ज्यादा अच्छा होता है, वो जो थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ते हैं उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को वो अप्लाइड करने के लिए किसी एक टॉपिक को लेके बहुत सीरियसली वो पढ़ना चाहते हैं, तो रिसर्च एक बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे कि आप देख रहे हैं डे बाय डे फिजिक्स में नए नए चैलेंजेज हैं, नई नई चुनौतियां हैं, हर दिन एक नया टॉपिक आ रहा है। जैसे कि हम सुनते हैं कि स्टेम सेल के बारे
बारे में लोग जानना चाहते हैं, डीएनए के बारे में लोग जानना चाहते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें फिजिक्स के रिसर्च स्कॉलर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेजर आया है, तो इस लेजर को लेके कौन इस पर स्टडी कर सकता है? तो डेफिनेटली एक फिजिकल साइंस पढ़ने वाला बच्चा इस पर बहुत अच्छे से स्टडी करके अपने कॉन्सेप्ट को शुरू से ही वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ढंग से पढ़ के वो नेट के लिए तैयारी करे, वहां उसको अच्छे अच्छे लैब्स में जाके ये मौके मिल सकते हैं कि वो उन कॉन्सेप्ट को जो उसने पढ़ा है उनमें क्या नया हो सकता है वो उसके बारे में स्टडी कर सकता है। तो डेफिनेटली जो बच्चे, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो इंजीनियरिंग में है वो खाली टेक्नोलॉजी को लेके काम न करें, उनको भी रिसर्च करना चाहिए, उन एप्स को लेके उनको भी स्टडी करना चाहिए कि इन एप्स का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी की रिसर्च अभी कम हो रही है। हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बट इन टेक्नोलॉजी के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे सोसाइटी पे, या हमारी जो सोशल इक्विटी है वो कहाँ कहाँ खतरे में आ सकती है, तो इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। और मुझे लगता है जो यंग माइंड्स हमारे पास हैं वो अगर इंटरेस्ट रखते हैं इन एरियाज में, तो डेफिनेटली रिसर्च का बहुत बड़ा फील्ड है और फिजिक्स उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। देश में बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, जैसे नेशनल फिजिकल लैबोरेटरीज हैं, डीआरडीओ की बहुत सारी लैब्स हैं, इनमें फिजिक्स का क्या स्कोप आपको नजर आता है? अभी तो मैक्सिमम जो ये JRF है या जो भी रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए हमारे देश में अब गेट नाम से जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसके थ्रू भी बच्चा DRDOs में या जो CSIR की लैब्स हैं या अन्य संस्थानों की जो लैब्स हैं उन लैबों में भी वो डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, इसरो उसमें प्रमुख, हाँ इसरो अलग से भी कराते हैं और गेट के थ्रू भी में बच्चा इनरोल हो जाता है। और भी संस्थान है जो ऑटोनोमस है, जो रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारी लैब्स हैं, तो उन लैब्स में भी बच्चा एक एंट्रेंस दे के इनरोल हो सकता है और वहाँ पर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते। इसके अलावा यदि हम रक्षा सेवाओं की बात करें, इसमें हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, एयरफोर्स और इंडियन नेवी, भौतिक शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, यदि इन एग्जाम्स को आप पास करना चाहें। श्योर, बहुत अच्छा आपने इसमें सवाल पूछ लिया है। जहाँ तक रही बात कि नेवी में या एयरफोर्स में बच्चे को कब जा सकता है, तो क्लास 12th पास के बाद ही वहाँ पर बच्चे को जो है डायरेक्ट वो NDA या अलग से भी, जैसे एयरफोर्स का लोनावाला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो बच्चे के अगर 75% और 80% के बीच में है तो उनका एक छोटा सा एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपने क्वालिफाई करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीन सब्जेक्ट का टेस्ट होता है और बेसिकली वहां पर ये एरो इंजीनियर्स ही वो बनाते हैं जो एरो फिजिक्स को लेके या एविएशन को लेके उनकी पूरी साइंस है। इसी तरह से नेवी में भी है कि आप टेक्निकल लाइन में डायरेक्ट एग्जाम देके जा सकते हैं और NDA या CDS ये तो है ही, इनके थ्रू भी आप जा सकते हैं और इसमें फिजिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जहां तक रही बात ये आर्म्स एंड एमुनेशन या इंस्ट्रूमेंट की बात, ये जितनी भी ऑप्टिक्स है या जितनी भी हमारे पास केमिकल वेपन्स हैं आज की डेट में, इवन बायोलॉजिकल वेपन्स भी जो है, इन पर रिसर्च करने के लिए या इन टूल्स को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए वहां पर सिखाया जाता है। तो फिजिक्स डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के सीखने सिखाने में, या उसके एप्टीट्यूड में ही डिफरेंस आ जाता है अगर वो इस साइंस को पढ़ता है या सीखता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इसमें एक शिक्षक की बड़ी भूमिका है, जब वो बच्चे को उस एज पे बार बार मोटिवेट करे कि हाँ ये साइंस की कितनी वैल्यू है किसी अदर सब्जेक्ट को सीखने में भी। जैसे कि थोड़ा देर पहले आपने कहा था कि मैथमेटिक्स, एक्चुअली अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग मैथमेटिक्स में भी बेहतर होती है, बायोलॉजिकल साइंस में भी बेहतर होती है, और यहाँ तक कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इनको पढ़ने में भी आप ईज फील करेंगे अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो रमेश प्रसाद बडूनी जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने हमारे युवा साथियों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि यदि फिजिक्स को हम अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम जा सकते हैं और उसमें अपार संभावनाएं हैं, और आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। हमें लगता है कि डेफिनेटली इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होंगे, और जैसे कि मैं ICT का आदमी हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दूर संचार क्रांति हमारे उन बच्चों तक पहुंचेगी जो बहुत दुर्गम में, अति दुर्गम में, और खास करके उत्तराखंड की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां तक ये मैसेज जाएगा, और हमारे शिक्षक साथी उन सभी बच्चों को कोऑपरेट करेंगे जिन्होंने अभी शुरुआत की है, अभी कक्षा 11-12 में आए हैं, और वो बच्चे डेफिनेटली बेनिफिट होंगे। धन्यवाद बडूनी साहब। धन्यवाद सर।